आपका सवाल था कि यार आजकल के दौर के अंदर अगर हम किसी लड़के को वर्कशॉप के अंदर खवाने के लिए जाते हैं तो वो भी हमसे पैसे लेते हैं, वो भी एक एक दो दो लाख या तीन तीन लाख रुपए की डिमांड करते हैं, तो क्या उनको पैसे दे के काम सिखवाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये लड़के को वहां भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, वो हमें शेयर कर दें। लेकिन एक बात मैं लास्ट पर आपको शेयर कर देता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी बात है कि अगर आप दो लाख रुपया या लाख रुपया आप वर्कशॉप के अंदर पैसे दे के आप काम सीख रहे हैं और फिर भी आप मेरी वीडियोस देख के काम को पिक कर रहे हैं, काम को समझ रहे हैं, तो सीख कहाँ से रहे हैं आप, पैसे कहाँ पर दिए हैं वहां पर, तो वीडियो आप मेरी देख के आप काम को सीख रहे हैं, पैसे आपने वहां दिए हैं, तो मेरे भाई आपको शर्म से डूबने वाला मुकाम नहीं है। मैं आपको बात शेयर करता हूँ कि लेकिन अगर आप लोगों ने वर्कशॉप में जाके आपने पैसे ज़ाया करने हैं ना तो भाई आपकी मर्जी है, लेकिन पैसे मैं आपको बात क्लियर करता हूँ, पैसे तो बंदा किसी ना किसी मोड़ के अंदर कमा लेता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता जो आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। आज के दौर के अंदर टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा तो भाई हर बंदा कमा ही लेता है किसी तरीके से, अपना खसारा पूरा कर ही लेता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने तक रखना है, ठीक है, दोस्तों तक भी शेयर करना है, अपने रिश्तेदारों तक भी शेयर करना है, अगर कोई काम सीख रहा है वहाँ तक भी शेयर करना है, अगर कोई वर्कशॉप के अंदर बैठ के काम सीख रहा है वो भी उस वहाँ तक भी ये वीडियो शेयर करनी है। इस बात को समझना जरूर, फ्री टाइम पर बैठ के जरूर समझना जो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है।